अब अगला पुनः विशिष्ट अतिथियों में से। अच्छा युवान भाई कोई पूछना चाहेगा? युवान, फिर बहुत जल्दी हम लोग विराम की ओर जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम। पुलिस में से कोई पूछना चाहेगा? ड्यूटी में कोई दिक्कत ना हो तुम्हारे? वैसे ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे, तुम्हारे मन में है कोई जिज्ञासा? पुलिस में से कोई भाई अगर आप चाहते तो बेझिझक आप माइक ले लो। हाँ लेकिन संविधान की दिक्कत हो जाएगी आपको, आप वर्दी पहने हो, हम आपकी बचाव की भी बात कर देते, आप लोग तो माइक लो ही ना। हाँ जी चश्मा लगाए भाई साहब आ जाइए, वर्दी तो नहीं पहने ना? आजा आजा आगे आजा, ये हाथ ऐसे हिला रहा हो तो नेता बनने का, आगे आजा आ गया, ये दे तो माइक तो यहां बुला रहे। हाओ अब ते पोस्टर छपवा के माने का, हम पहले थोड़ा सा दुविधा में हो गए थे कि वर्दी वाले तो नहीं कह रहे। हाँ जी सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, जय सियाराम सीताराम। गुरुजी मेरा एक सुझाव और एक प्रश्न भी जो मेरे मन में शंका काफी दिनों से है। गुरुजी मैं एक ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ से प्रतिदिन मेरे घर के सामने से छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे डेली निकलते हैं जो एक पाठशाला का बैग टांगे हुए एक जगह पढ़ने जाते हैं। वो विभिन्न धर्मों के होते हैं, कई सारे पंथों के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरुजी मैं जहाँ अभी रामचरितमानस की भी बात हुई, श्रीमद् भगवद गीता की भी बात हुई, गुरुकुल की भी बात यहाँ पे पूजनीय पंडित जी के द्वारा कही गई, मैं गुरुजी एक छोटा सा सुझाव आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ कि गुरुजी क्यों ना हम सभी जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे मंदिर हैं वहीं पर एक छोटी सी पाठशाला खोलकर एक आधे घंटे की या प्रतिदिन एक घंटे की छोटे छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं। ताली बजाओ, पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ गया, जोरदार बजाओ। गुरुजी उन्हीं के द्वारा हम जो एक बीज की बात करते हैं, वहीं से यदि हम छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन शिक्षा के साथ, जो सामान्य शिक्षा हमारी चलती है उसी के साथ, यदि आधे घंटे भी अगर उनको श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस का पाठ कराएं। और गुरुजी बहुत सारे बच्चों को केवल आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को केवल यही पता होता है कि हिंदू धर्म के नाम पर केवल दो चीजें हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। आज 90% बच्चों को ये पता नहीं है कि हिंदू धर्म में 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं, जिनमें अथाह ज्ञान हमारे सनातन धर्म का उपस्थित है, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका जो निशाना, हम भी आपके साथ हैं और स्वागत करेंगे इस बात का कि भारत के प्रत्येक मंदिर के पुजारी 30 मिनट अगर ये मेहनत प्रारंभ कर दें तो भारत में संस्कृति और हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाएगा। हम आपके सपोर्ट में, जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। गुरुजी बहुत बहुत और इस वीडियो को पूरे भारत के जितने भी पुजारी हैं उनके चरणों में नाक रगड़कर हमारा प्रणाम स्वीकार हो। और इस बालक की बात पर हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि अगर भारत के मंदिरों में ये प्रारंभ हो जाए तो बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। बोलिए जय श्री राम, बागेश्वर धाम की। आपका क्या कहना है इस पर वकील साहब, आपका क्या कहना है? ये जो बालक ने कहा है, जो महाराज जी अभी जो प्रश्न और जो सुझाव भैया ने दिया है उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? और उसमें हम एक वैसे जैन सिद्धांत में, जैन मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है, शाम के समय पाठशाला की व्यवस्था पूर्व से ही चली आ रही है जैन धर्म में। हाँ इसको अनुकरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। अगर सनातन धर्म में इसका अनुकरण करते हैं तो अच्छा होगा। बिल्कुल। कोई पुजारी है मंदिर के यहाँ पर? बहुत बड़े पुजारी हैं आप तो बहुत ऊंचे पुजारी हैं। किस मंदिर के पुजारी हैं? है? भोले बाबा के? और हैं कोई पुजारी? वाह, जींस पैंट के भी पुजारी हैं, वाह वाह वाह। हाँ ये दादाजी को दीजिए, ये पुजारी जी इनको दीजिए। ठीक है आप भी आगे आ जाओ, लाल शर्ट वाले, भारी पेट जी। पुजारी जी प्रणाम कर रहे हैं हम चरणों में। जय श्री राम। कौन से मंदिर में हैं आप? जय जय श्री राम। जय श्री राम। कौन सा मंदिर है आपका? हमारा पीतांबर दुबे जी नाम है,
बड़े लिधौरा के हैं, थाने के पीछे हमारा हनुमान पट्टा मंदिर है, हम वहाँ पर पूजा करते हैं। हमको कभी कभी मंदिर जब हम खोलते हैं वहाँ पर हमको बड़ी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और हम किसी को भभूत देवी दे देते हैं वहाँ की, तो कई लोगों को आराम हो जाता है, मगर हमारे घर नहीं लगती है वो भभूति। ये क्या कारण है? जय हो बजरंग बली की। बोलो शंकर भगवान है की जय। पुजारी जी सरकार है की जय। पुजारी जी, एक बालक ने अभी सुझाव दिया है कि अगर मंदिरों में पूजा के साथ साथ 30 मिनट के लिए छोटे छोटे बच्चों को, अगर मोहल्ला के बच्चों को, गांव के बच्चों को रामायण का पाठ करवाएं, संस्कृति के बारे में सिखाएं, तो क्या ये हो सकता है? हाँ, हो जाएगा महाराज जी। आप कब से शुरू करेंगे? हम अपने मंदिर में कर देंगे इसी मंगलवार से। ताली बजाइए। आप भी पुजारी हैं, इनको भी, ये युवान है, इनको भी माइक दीजिएगा। पुजारी जी हम प्रणाम कर रहे हैं, आप बैठ जाए। ये अच्छा सुझाव है पत्रकार महोदय, कैसा सुझाव ये? बोलो बागेश्वर सरकार की जय। जय हो आपकी। पुजारी जी एक मिनट, गुरुदेव भगवान जो हमारे छोटे भाई ने सुझाव दिया है संस्कृति बचाने के लिए, बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि कई धर्मों में इस तरह की परंपरा है, जैन धर्म में है, सिख धर्म में है, पहले अपने सनातन धर्म में भी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में बंद है, लेकिन बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? हाँ, आपका अनुराग। अनुराग बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुजारी जी कहाँ से? महाराज जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। हमारा ग्राम बैतपुर है, बैतपुर से हम पुजारी हैं। बैतपुर हनुमान जी। हाँ महाराज जी, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। आपने आज तक ऐसा विचार किया कि ये भी हो सकता है सनातन धर्म के लिए? महाराज जी हम विचार बहुत कुछ करते हैं, और ये सही विचार है, पर इसके लिए पुजारी भी तो सही होना चाहिए मंदिर में। ये भी बहुत अच्छा विषय। जब तक हमारे मंदिरों में सही पुजारी नहीं होंगे तो वहां कैसे व्यवस्थाएं बन पाएंगी? जी बहुत अच्छा है। और पुजारी कैसे सही होंगे? पहले हम जो लोग हैं हमें अपने अंदर भी तो उस चीज को उतारना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए पैंट शर्ट में, जींस पैंट में, तो जींस पैंट में तो पुजारी होते नहीं। जब उनने, इसीलिए उनको बुलाया। कहाँ गए वो लाल शर्ट वाले? भग गए? कहाँ हैं? इधर आओ। आप कैसे पुजारी हो? आओ इधर। इनको अभी धोती लगवाओ, इनका कपड़ा उतरवाओ अभी, नहीं तो ये पुजारी के कहने पर खड़े क्यों भाई? इनको आने दो भाई, इनको रास्ता तो छोड़ो, इनको रास्ता छोड़ो। जय हो, जय हो। सामने आओ आप, इनको तो मंच पे ही लाओ, इनको तो मंच पे ही लाओ। क्रांतिकारी पुजारी है। क्रांतिकारी पुजारी, क्या नाम है? दिनेश कुमार तिवारी, माई नेम। राम मगरपुर, जिला झांसी। हमें ना लगवाइयो फांसी। निवारी, निवारी। अच्छा पंडित जी, झांसी मऊरानी पर के बीच में महाराज आपका मंदिर? झाड़ी बाबा सरकार, राम राजा सरकार के पुजारी हैं। अपना बालक हेमंत शास्त्री के कारण है, हेमंत शास्त्री के डैडी हैं हम। जय हो आपकी। पुजारी जी, ये जो अभी पंडित जी बोल रहे थे ना बैतपुर वाले, हम तो नहीं बोल रहे हैं, तो धोती कब से शुरू कर रहे हैं? धोती पहनते हैं, रखा है कहीं। सवेरे पहने थे, एक दारू पीने वाला हमको बदतमीजी कर रहा था, बस स्टैंड पर सब ने उतार दिया, धोती कुर्ता गमछा सब पैंट शर्ट पहन के आ गए। आप इतने जल्दी विचलित हो गए? हम चाय पी रहे थे बस स्टैंड पे, तो आप इतने जल्दी एक दारूखोर में आपने धोती उतार दी? हाँ, उसे हमने की ये यहाँ गुंडों का, आप बड़े के दारूखोर बड़ा, हमने की गुंडों का राज है यहाँ पे, दारू वालों का। ऐसा तो कोई कर नहीं सकता जो ये कर रहा है, ये देश का दुर्भाग्य होगा और इस जिले का दुर्भाग्य होगा। ऐसा कोई करे तो प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे करने वालों को सरकार, कानून और समाज तीनों दंड दें। आप पुजारी जी अब आप धोती भी पहना करो। क्या मंदिरों में 30 मिनट के लिए हर मंगलवार या शनिवार या रविवार छोटे छोटे बच्चों को संस्कृति के बारे में, रामायण के बारे में पढ़ाना चाहिए? पढ़ाएंगे? कब से? क्रांतिकारी पुजारी, क्रांतिकारी पुजारी, आप समझ गए थे, हम समझ गए थे, जैसे आप खड़े हुए थे तभी हमें समझ गए थे। आप बैठ जाओ, आप आसन ग्रहण करो। प्रणाम। वाह,
पुजारी जी आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये आप शुरू कर सकते हैं। कब से शुरू करेंगे आप? कब से? महाराज जी हम तो ये चाहते हैं कि नित्य हुए, और हम प्रयास भी करते हैं महाराज जी, जब भी जैसे गांव में ज्यादा नहीं जा पाते, पर जब जाते हैं तो सबको अच्छी शिक्षा देते हैं, और सबसे प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार करें और उसके विषय में बोलें। ताली बजा करके आपका साधु महाराज जी के चरणों में दंडवत। सनातन धर्म की। इसके बाद में अब जो विशिष्ट अतिथि है उनमें से कोई। वैसे तो गुरुदेव हमारा एक सवाल है कि जो बात उन्होंने कही कि पुजारी हैं और हमारे पुजारी वेशभूषा में हम थे, किसी की हिम्मत हो नहीं सकती अगर आपके माथे पर टीका है और आप पुजारी वेशभूषा में हैं? होगा कोई ऐसे आगल पागल रहते हैं, हमें उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, खुद को बहुत ताकत पर बनाना है, ऐसे आगल पागल होते हैं, कुछ लोग हम पे भी बोल देते, जो उन्हीं में से वो कोई होंगे।